हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आज 10 मार्च है और जो है गवर्नमेंट बन चुकी है, आपको पता है किसकी बननी थी और वो बन चुकी है। तो चलिए अब लेकिन बात करते हैं यूपीएसआई का। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी, यूपीएसआई का जो नोटिस आया था, जो विभागीय नोटिस था, अगर आपने नहीं देखी है तो इधर आई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लो। तो उस नोटिस को बहुत सारे लोग कह रहे हैं फेक है या रियल है। तो देखिए भाई, 99% वो जो है रियल ही है। अभी अगर आपने प्रीवियस नोटिस देखा हो तो वो भी आया था कमेटी को गठित होकर गठन को लेकर, और ऐसा ही नोटिस ये भी है। तो ये 99% रियल है। अगर 1% आप लोग नहीं मानते हैं तो मैं आपको कोई फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ कि आप मानिए। 1% हो सकता है ये फेक हो, लेकिन जहाँ तक है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उस तरीके से मुझे इस हिसाब से कोई इसमें जो है नहीं लग रही है खींचतान, ताना वाना नहीं लग रहा है कि गड़बड़ है इसमें कुछ। बाकी अगर आपको लगता है तो 1% मान सकते हैं कि हाँ शायद फेक हो, 99% तो मुझे रियल ही लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ है। अगर आप लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन कर रखी है, वहाँ जाके जुड़ जाएं। जो भी नया व्यक्ति है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं टाइपिंग को लेकर। तो देखिए भाई, DBPST के कुछ दिनों बाद ही जल्द से जल्द टाइपिंग कराई जाएगी। अगर देखिए काम होता है तो फिर बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो DBPST के लिए आप सभी लोग जितने डॉक्यूमेंट है तैयार करके रखें, और जिनके भी फेक डॉक्यूमेंट हैं भाई वो DBPST से बाहर ही रहें। अगर फेक डॉक्यूमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ये देख सकते हैं, और क्योंकि इसमें जो है IPC की धारा 463 और 462 के तहत आपकी कार्रवाई की जा सकती है। जो मानहानि का होता है वो मुकदमा कर दिया जाएगा। तो आप जो है भविष्य में और कोई भर्तियां बनने के काबिल नहीं रहेंगे। और इसमें जो है क्राइम ब्रांच से भी बैठे हैं कमेटी में, तो जिसके भी फेक डॉक्यूमेंट है शायद वो ना ही जाएँ तो अच्छा होगा, और बाकी जाते हैं तो आप अपनी रिस्क पर जा सकते हैं। बाकी जो है बहुत सारे लोग छठ बीनने वाले हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ की फिजिकल नहीं होगी और कुछ की टाइपिंग नहीं होगी। तो आप सभी लोग अपनी टाइपिंग करते रहें। टाइपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में डाल दें, उससे टाइपिंग से रिलेटेड एक वीडियो पर्सनली बना दी जाएगी और वो आप वॉच करें। और इसके साथ ही जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मेरे हिसाब से जो नोटिस है वो 99% रियल है, बाकी 1% अगर आप लोग फेक करते हैं तो भाई मैं भी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि फेक हो, और लेकिन अगर फेक भी है तो आप ये मान के चलिए कि जल्द से जल्द आपका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि नोटिस जो वायरल हुआ है मेरे हिसाब से कोई फेक नहीं लग रहा है। लेकिन बस ये है, 4,000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, ये बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो SI का भी जल्द ही आपको नोटिस देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है करते रहें, दौड़ लगा रहे हैं तो दौड़ लगाते रहें, टाइपिंग करते रहें, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने तैयार कर लीजिए जल्द से जल्द। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।